महानगर के गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ और व्यापारियों ने ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम आम बजट पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा। डॉक्टर अजय अग्रवाल, क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ। आज भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ एवं इस गोरखपुर के व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे देश के व्यापारी, किसान, गरीब, मजदूर सब बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसा बजट आज़ादी के बाद पहली बार पेश हुआ है जिससे सभी वर्ग बहुत लाभान्वित होगा और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इससे हर वर्ग को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हर वर्ग की, सभी के जीविकोपार्जन का ध्यान रखा गया है इस बजट में। और इस बजट से व्यापारी जो मीडियम क्लास का था उसमें आईटीआर की जो लिमिट है 5 लाख कर दी गई है, उससे मिडिल क्लास के लोगों को बड़ा फायदा होगा। एफडीआई का भी, एफडीआई में भी जो किया है कार्य, ऑनलाइन जो परचेजिंग होती थी उसको भी संशोधित करके और उसको भी व्यापारी हित में फैसला लिया गया। आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, सभी व्यापारी प्रसन्न हैं। ऐसा किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया। इसी बजट से सभी लोग बहुत ही उत्साहित है, बहुत खुशी की लहर सभी व्यापारियों में, किसानों में दौड़ गया। जिंदाबाद।